ऑल राइट दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन लेके आया हूँ जो कि अंडर 20,000 रुपीज में आते हैं, वो भी आपके प्रायोरिटी के हिसाब से। क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप स्मार्टफोन खरीदने जाओ तब सबका अलग अलग प्रायोरिटी होता है। किसी को अच्छा कैमरा वाला फोन चाहिए होता है जिसमें कि सेल्फी कैमरा बहुत ही अच्छा हो, किसी को अच्छा प्रोसेसर वाला फोन चाहिए होता है जिसमें कि आप हाई ग्राफिक्स वाला गेम आप बहुत ही स्मूथली और अच्छे से खेल पाओ, और किसी को अच्छा बैटरी वाला फोन चाहिए होता है, उसी के साथ साथ वो फोन फास्ट चार्जिंग भी होना चाहिए। तो जो भी स्मार्टफोन मैंने यहाँ पर पिक किया है वो डेफिनेटली तो वैल्यू फॉर मनी है, और मैं खुलिया आपको इन सभी फोन्स रेकमेंड करता हूं। तो दोस्तों, ये सारा फोन्स चूज करते वक्त मैंने यहाँ पर एक बेंचमार्क सेट किया है जो कि नंबर वन, फोन का जो चार्जिंग है वो फास्ट चार्जिंग होना चाहिए, दूसरा फोन का जो डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए या तो फोन पे फास्ट रिफ्रेश रेट होना चाहिए, एंड तीसरा फोन पे जो कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल कैमरा है या तो 48 मेगापिक्सल कैमरा है, इन दोनों में से कई एक होना जरूरी है, और चौथा फोन का जो वेरियंट है वो 6GB रैम वेरियंट एंड 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट चीज, इन सारा फोन चूज करते वक्त मैंने यहाँ पर 5G को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, क्योंकि दोस्तों 5G के लिए और एक अलग से वीडियो आने वाला है, टॉप 5G स्मार्टफोन अंडर 25,000 या फिर 20,000, इसी के बारे में, जो कि आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, सब कुछ बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि आगे जाके सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे जैसे ही एक नया वीडियो हम अपलोड करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों Redmi Note 10 Pro Max के बारे में। इसका जो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है वो 20,000 रुपीस में आते हैं, और यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको कि बहुत ही बेहतरीन और डिटेल में HDR क्वालिटी पिक्चर देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का आता है जहाँ पे आपको डिसेंट टाइप का फोटोग्राफी देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ इस फोन पे दोस्तों जो वीडियो क्वालिटी है वो भी बहुत ही बेहतरीन वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस फोन पे आपको 6.67 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आते हैं, और इसके साथ साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जस्ट आउटस्टैंडिंग, और बढ़िया आपको एक्सपीरियंस मिलेगा डिस्प्ले के साथ। बिल्ड क्वालिटी जो है फोन का वो काफी इंटरेस्टिंग है, ग्लास बैक है फोन पे, लाइट वेट है, स्लिम है, फोन का जो फॉर्म फैक्टर है वो काफी बढ़िया है, मतलब फोन का जो इनहैंड फीलिंग है वो आपको काफी बढ़िया महसूस होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, इस फोन पे LPDDR4X रैम सपोर्ट और उसके साथ UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट भी है, मतलब डे टू डे लाइफ में फोन का जो यूजेज है वो काफी फास्ट और स्मूथ भी है। 5020mAh का बैटरी है, बैटरी बैकअप काफी अच्छा है, और यहाँ पे आपको 33W का फास्ट चार्जर भी मिल जाएगा, और इसके साथ साथ दोस्तों इस फोन का जो चिपसेट है वो भी काफी अच्छा है, स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट जो कि प्राइस रेंज के हिसाब से काफी बढ़िया चिपसेट है, आप यहाँ पे आसानी से हाई ग्राफिक्स वाला जो भी गेम है वो बहुत ही स्मूथली आप खेल सकते हो, आपको बड़ा ही मजा आएगा। लेकिन एक जो चीज है वो मुझे पसंद नहीं आया इस फोन पे, वो है इस फोन का जो MIUI 12 सॉफ्टवेयर वर्जन है वो, क्योंकि दोस्तों MIUI 12 सॉफ्टवेयर वर्जन में काफी सारा बग्स है, बीच बीच में आपको लैग स्टार्टर देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है कि Xiaomi का ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही जल्दी फिक्स करना चाहिए, लेकिन आप अगर इसे झेल सकते हो तो मुझे नहीं लगता कोई भी इशू होने वाला है। बाकी के एस्पेक्ट से ये फोन बहुत ही बेस्ट है, आप इसे इजीली कंसीडर कर सकते हो। दूसरा जो फोन है ये उन लोगों के लिए लिस्ट में नंबर वन पे होना चाहिए जिसका प्रायोरिटी ये है कि भैया मुझे फोन के अंदर हाई ग्राफिक्स में गेम खेलना है, या फिर मुझे फोन में सबसे अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, या फिर आपको अगर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन चाहिए, मतलब कि आपका काम यह है कि आपका CPU बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे, देन उस केस में आपको पोको X3 Pro जिसका 6GB रैम और 128GB वाला जो वेरियंट है वो 19,000 रुपीज में आ रहा है वो आपके लिस्ट में सबसे टॉप पे होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस फोन पे जो चिपसेट आपको मिल रहा है वो है स्नैपड्रैगन 860 चिपसेट जो कि एक फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट है, वो आपको मिड रेंज में ही मिल रहा है, मतलब इस फोन का जो परफॉर्मेंस है वो तो एकदम धांसू आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इस फोन का जो रैम है वो है LPDDR4X रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट है, और इसके साथ साथ इस फोन पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी मिलते हैं, जिसका मतलब यह है कि दोस्तों फोन का जो डे टू डे लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही स्मूथ एंड कमाल का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फोन का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होने के साथ साथ बाकी का जो चीज है वो भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, देन उस केस में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। कहने का मतलब यह है कि फोन का जो कैमरा है उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि दोस्तों कैमरा जो है वो डिसेंट टाइप का फोटो आपको खींच के देते हैं। इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप एंड फ्रंट पे आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाते हैं जो कि आपको एक डिसेंट टाइप का फोटो खींच के देते हैं। और अगर आप ये भी सोच रहे हो कि इस फोन का जो फॉर्म फैक्टर है वो भी काफी बढ़िया है, मतलब जो फोन है वो स्लिम है, लाइट वेट है, देन उस केस में बता दो कि उस केस में भी ये फोन कुछ खास नहीं है, फोन जो है थोड़ा सा
थोड़ा हेवी है दोस्तों, फोन का जो वेट है ये 215 ग्राम है, तो इससे पता चलता है कि फोन थोड़ा सा हेवी है। लेकिन दोस्तों बाकी के एस्पेक्ट से मतलब परफॉर्मेंस वाइज ये फोन तो आउटस्टैंडिंग है। अगर परफॉर्मेंस ही आपका प्राइम कंसर्न है देन आप डेफिनेटली इस फोन को कंसिडर कर सकते हो। बट एनीवेज यार, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या कर रहे हो, वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दो ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बाय द वे नेक्स्ट जो फोन है दोस्तों उन लोगों के लिए रेकमेंड करूंगा जिसके लिए यूजर एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। मतलब कि स्पेशली कुछ लोग ऐसा होते हैं जिसके लिए दोस्तों फोन ऐसा होना चाहिए कि फोन पे ना ही ज्यादा एप्लीकेशन होना चाहिए, ना ही फोन पे कोई भी एड्स वाला सिचुएशन होना चाहिए। मतलब कि उनका जो फोन है वो एकदम नीट क्लीन एंड क्लियर फोन होना चाहिए, ना ही कोई एड्स ना ही कुछ झंझट होना चाहिए फोन में। तो दोस्तों उन लोगों के लिए स्टॉक एंड्रॉइड वाला जो फोन है वो सबसे बेस्ट चॉइस होगा। और यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन जो कि अंडर 20,000 रुपीज में मिल रहा है वो है मोटो G60 जो कि आपको 18,000 रुपीज में ही मिल रहा है। और यहाँ पे आपको LPDDR4X RAM और UMCP स्टोरेज भी मिल रहा है जो कि UFS 2.2 स्टोरेज के इक्विवेलेंट ही आप कह सकते हो। और इस पे आपको Snapdragon 732G चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि काफी पावरफुल चिपसेट है। तो आप अगर इस फोन पे गेमिंग वगैरह करना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो, आपको बहुत ही क्लासिक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा इस फोन के अंदर। और इस फोन का जो कैमरा सेटअप है वो भी बहुत अच्छा है। प्राइमरी पे आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा और सेल्फी पे आपको 32 मेगापिक्सल का सेंसर मिलते हैं जिससे कि आप बहुत ही अच्छा सेल्फी कैप्चर कर सकते हो। और हाँ, इस फोन पे आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता है बल्कि ये IPS LCD डिस्प्ले के साथ आते हैं। लेकिन इस फोन पे आपको 120 हर्ट्ज का जो फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है इस फोन पे। और एक जो चीज मुझे पसंद नहीं आया इस फोन पे वो है कि ये फोन थोड़ा सा हेवी है, 220 ग्राम के साथ आते हैं ये फोन, क्योंकि दोस्तों इसका जो बैटरी है वो भी ह्यूज है, 6000 mAh बैटरी के साथ आते हैं और उसके साथ 20W का फास्ट चार्जर भी है। और इसके साथ साथ फोन जो है फोन थोड़ा सा थिक भी है जो कि मेरे अकॉर्डिंग फोन थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक यूजर के लिए फोन का जो इनहैंड फीलिंग है, फोन का जो फॉर्म फैक्टर है वो अच्छा होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो उस तरह के फोन ये नहीं है। लेकिन हाँ, अगर स्टॉक एंड्रॉइड आपका प्रायोरिटी है, आप अगर अच्छा कैमरा चाहते हो, अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हो, देन डेफिनेटली आप एक बार इस फोन को चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कॉमेंट्स पे बताना कि आपको अगर कोई भी फोन लेना है अंडर 20,000 रुपीज तो आप कौन सा फोन लेना पसंद करेंगे। मैंने कॉमेंट्स पिन किया है तो वहां पे आप जरूर एक रिप्लाई कर देना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके बाद आते हैं Realme 8 Pro दोस्तों। ये थोड़ा सा डाउनग्रेड लगा मुझे क्योंकि दोस्तों पिछले 3 जनरेशन से सेम ही प्रोसेसर है, Realme 6 Pro, 7 Pro और अभी Realme 8 Pro, सेम ही प्रोसेसर Snapdragon 720G है। तो मुझे लगता है कि प्रोसेसर थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए था, क्योंकि भाई आप पिछले 3 जनरेशन से सेम प्रोसेसर दे रहे हो, एटलीस्ट 730 या फिर 732G तो होना ही चाहिए था यहाँ पे। और इस फोन का जो रैम टाइप है वो है LPDDR4X RAM और स्टोरेज टाइप UFS 2.1 है। और इस फोन का जो बैटरी है वो है 4500 mAh का बैटरी और इस पे आपको 50W का फास्ट चार्जिंग भी मिलते हैं। जहाँ Realme आपको ये दावा करते हैं कि इसका 50% चार्ज ओनली 17 मिनट पे और 100% चार्ज ओनली 47 मिनट पे कंप्लीट हो जाते हैं। और बाकी का जो चीज है वो भी सही है। इस फोन पे आपको 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले और यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं मिलते, ये नॉर्मल रिफ्रेश रेट ही है। और इस फोन का जो फॉर्म फैक्टर है ये बहुत ही अच्छा है, फोन का जो इनहैंड फीलिंग है ये आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा, फोन काफी लाइट वेट है, 176 ग्राम का फोन है। और इस फोन का जो 8GB रैम और 128GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको 18,000 रुपीज मिल रहा है मार्केट में। और इस फोन का जो सबसे बढ़िया हाईलाइट है कि इस फोन पे 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप और फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलते हैं। यस, कैमरा इज योर हाईलाइट। तो आपको अगर 108 मेगापिक्सल का कैमरा और फास्ट चार्जिंग वाला फोन चाहिए तो आप डेफिनेटली इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। इसके बाद आते हैं दोस्तों Realme X7 5G। हाँ, ये 5G फोन है। ऑल तो मैंने कहा था कि 4G के बारे में बताएंगे, लेकिन दोस्तों ये 5G फोन है और बाकी का जो चीज़ है वो भी क्वाइट इंप्रेसिव है। तो आपको अगर 5G फोन्स के साथ चाहिए तो ये फोन हो सकता है कि आपकी लिस्ट में सबसे टॉप पे लाई करे और हमारे 5G फोन की लिस्ट में भी सबसे ऊपर आ जाए लिस्ट में। इस फोन पे आपको फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है, 60Hz का नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाते हैं, 50W का फास्ट चार्जर के साथ आते हैं, जहाँ पे 0-50% जो चार्ज है वो ऑलमोस्ट 18 मिनट्स पे और 100% चार्ज ऑलमोस्ट 47 मिनट्स में कंप्लीट हो जाते हैं। और इस फोन का जो बैटरी है वो है 4310 mAh का बैटरी। और इस फोन का जो प्रोसेसर है वो है Dimensity 800U प्रोसेसर, ये क्वाइट इंप्रेसिव प्रोसेसर है। इसके मदद से आप इस फोन पे मिड टू हाई सेटिंग्स पे हाई ग्राफिक्स वाला गेम आसानी से खेल सकते हो। और कैमरा के बारे में बात किया जाए दोस्तों तो प्राइमरी पे आपको क्वाड कैमरा नहीं मिलते बल्कि 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल कैमरा मिलते हैं, ओवरऑल डिसेंट कैमरा है। और इसका जो 6GB रैम और 128GB वाला जो वेरिएंट है
वो आपको 18,000 रुपीस में मिल रहा है। तो दोस्तों आपको अगर 5G के साथ ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस वाला एक फोन चाहिए तो आप डेफिनेटली आपके लिस्ट में इस फोन को भी कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरे तरफ से 5 ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन जो कि अंडर 20,000 रुपीस में आते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश किया कि मैं आपको आपके प्रायोरिटी के हिसाब से कोई ना कोई फोन रेकमेंड करूँ जो कि अच्छा है और वैल्यू फॉर मनी है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा फोन लेना है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगे। तो अच्छा लगे तो फीडबैक देना कमेंट्स में और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑल कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए नया नया टेक्नोलॉजी का वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो दोस्तों अभी के लिए चलते, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।